Hello students, today I will discuss the science of 6th class. So in 6th class, chapter 3rd is going on. So in 3rd chapter, we were reading fiber to fabric. हम लोग पढ़ रहे थे फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. फाइबर मतलब रेशे और फैब्रिक मतलब कपड़े, है ना. रेशों से कपड़े कैसे बनते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था बेबिंग और नेटिंग द्वारा. अब देखिए बेबिंग के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं कपड़े. बेबिंग इज डन ऑन डिवाइस. बेबिंग का मतलब होता है बुनना, क्या बुनाई भी बोल सकते हैं. बेबिंग मतलब बुनाई. बेबिंग इज डन ऑन डिवाइस. ये बेबिंग जो है ना एक डिवाइस पर की जाती है, ठीक. जिस डिवाइस को क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं. लूम्स क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं. बेबिंग मतलब बुनना, बुनाई जो करी जाती है वो एक डिवाइस पर की जाती है. डिवाइस मतलब एक उपकरण पर की जाती है, उस उपकरण को लूम्स बोलते हैं. स्मॉल लूम्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स. जो स्मॉल लूम्स होते हैं विच कैन बी प्रिपेयर्ड, जिनको बनाया जाता है मैनुअली हाथों से, आर कॉल्ड हैंडलूम्स, उनको हैंडलूम बोलते हैं. ऐसे लूम्स जिन्हों हाथों से तैयार किया जाता है उनको हैंडलूम्स बोलते हैं, ठीक है. ऐसे लूम्स जिनको हाथ से तैयार किया जाता है मैनुअली मतलब हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है, हैंडलूम्स कहलाते हैं. द फैब्रिक मेड ऑन दीज, और इन्हीं पर फैब्रिक की जाती है. इस कोर्स, कोर्स से मतलब होता है मोटा, एंड नॉट वेरी लॉन्ग. जब फैब्रिक की जाती है, जो कपड़े की बुनाई इसी पर की जाती है, थोड़ी मोटी होती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं होती. जो बुनाई इन हैंड लूम्स पर की जाती है वो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, लेकिन वो लंबी नहीं होती है, ठीक. कोर्स मतलब मोटा, मोटाई में, एंड नॉट वेरी लॉन्ग, और बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, ओके. फैब्रिक इज मेड ऑन पावर लूम्स. जो फैब्रिक पावर लूम्स पर की जाती है, फैब्रिक मतलब कपड़ों की बुनाई, जानते हैं फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े, और हम सीख रहे हैं वीविंग, तो कपड़ों की बुनाई, ठीक है, बुनाई जो है ना. फैब्रिक इज मेड ऑन पावर लूम्स, जो पावर लूम्स पर की जाती है इन मिल्स, बड़ी बड़ी मिल्स में, फैक्ट्रीज में, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत अत्यधिक मात्रा में, है ना. जो वीविंग जो है ना, फैब्रिक की जो वीविंग जो है ना, फैब्रिक की जो वीविंग से पावर लूम्स पर बड़ी बड़ी मिल्स में की जाती है, बड़े पैमाने पर, एक अत्यधिक पैमाने पर. द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड इज चीपर एंड कैन बी सेवरल मीटर्स लॉन्ग. वो फैब्रिक कैसा होता है, थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, सस्ता होता है और बहुत मीटर लंबा भी होता है. ऐसा फैब्रिक जिनको बड़ी बड़ी मिल्स में तैयार किया जाता है, ऐसा फैब्रिक जो है वो अच्छा, सस्ता और अच्छा होता है, और साथ ही साथ जो है ना बहुत मीटर लंबाई में हम उसको बना सकते हैं, जो जिस फैब्रिक को पावर लूम्स की हेल्प से मील्स में तैयार करते हैं, ठीक है. क्या बताया आपने इसमें, एक तो बताया बेबिंग इज डन ऑन डिवाइस, बेबिंग डिवाइस पर की जाती है, जिस डिवाइस पर बेबिंग की जाती है उसको लूम बोलते हैं, ठीक है. हैंडलूम्स जिनको हाथों के द्वारा बनाया जाता है उनको हैंडलूम्स बोलते हैं, मतलब लूम्स, स्मॉल लूम्स जो होते हैं विच कैन बी प्रिपेयर्ड मैनुअली, जो मैनुअली तैयार किए जाते हैं, हाथों से तैयार किए जाते हैं, उनको हैंडलूम्स बोलते हैं. द फैब्रिक मेड ऑन दीज, इन्हीं पर फैब्रिक की जाती है, ठीक है. और दीज इज कोर्स एंड नॉट वेरी लॉन्ग, कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं होती. फैब्रिक इज मेड ऑन पावर लूम्स, जो फैब्रिक पावर लूम्स पर की जाती है इन मिल्स में, ऑन अ लार्ज स्केल, अत्यधिक मात्रा में. था फैब्रिक प्रोड्यूस इज चीपर, वह फोर्डिक कैसी होती है, फैब्रिक चीपर, सस्ती होती है, एंड कैन बी सेवरल मीटर्स लॉन्ग, और बहुत ज्यादा लंबाई उसकी होती है, बहुत मीटर तक लंबे होते हैं, ओके. ओके, सो दिस इज अ बेविंग. Enough for today. Thank you. Next, I will tell you knitting. Enough. Thank you.